हिमाचल प्रदेश के पहाड़ गद्दी जनजाति का आशियाना है। ये बंजारा चरवाहे पूरा साल इस अप्रिय भूप्रदेश में घूमते रहते हैं। सदियों से गद्दी लोग हिमालय की चोटियों की छाया में रहते आए हैं। ये मौसमों के साथ साथ गर्मियों और सर्दियों वाली चरागाहों के बीच चक्कर लगाते रहते हैं। हर साल कोई गद्दी सैकड़ों मील का सफर पैदल तय कर सकता है। उसका साथ देने के लिए होती हैं सिर्फ उसकी भेड़े और उसके कुत्ते। ये लोग धौलाधार पर्वत श्रृंखला के बेहद ऊंचाई वाले बर्फ से ढके दर्रों पर से गुजरते हैं। गद्दी लोगों की जिंदगी एक दूसरे पर निर्भरता की जिंदगी है। इनका रिश्ता है प्रकृति की शक्तियों और मौसम की गर्मी और चरम सर्दी की अलौकिक ताल के साथ। यहां हर पत्थर, धार, ढलान और जलधारा पवित्र है। गद्दी लोग अपने प्राकृतिक माहौल का बहुत सम्मान करते हैं। गद्दी लोग और इनके भेड़ों के झुंड ऊंचाई वाली इन पर्यावरण प्रणालियों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये चरागाह न सिर्फ इन्हें जिंदा रखते हैं बल्कि ये भी उसकी देखरेख करते रहते हैं। भेड़ों की आवाजाही से जंगल को पनपने का मौका मिलता है। पहाड़ों पर से चलने के दौरान ये भेड़ें बीजों और पौधों की पत्तियों पर जमा अंडों पर दबाव डालती हैं। ये खरपतवार और गैर जरूरी पौधों को चर जाती हैं, जिससे इन बंजर इलाकों में पेड़ों और पौधों की बढ़वार में मदद मिलती है। हृदय सिंह चौहान इन्हीं लोगों में से एक है जो इस अनूठी यात्रा को अंजाम देंगे। वो इन पारंपरिक रास्तों पर चलेंगे अपनी 500 भेड़ों और बकरियों के झुंड के साथ। पहाड़ों के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फ पिघलने लगी है और गर्मियां आ पहुंची है। ये अपने सफर की शुरुआत कांगड़ा घाटी से करेंगे, जहां ये सर्दियों के दौरान रुके थे, और ये 380 किलोमीटर से भी ज्यादा का सफर तय करके स्पीति घाटी तक जाएंगे। धौलाधार पर्वत श्रृंखला वाला इलाका ग्रेनाइट और चूने वाले पत्थरों से भरा बहुत ही दुर्गम भूप्रदेश है। ज्यादातर लोगों के लिए यह रास्ता खासा मुश्किल होगा, लेकिन गद्दी लोगों को इसे तय करने में जैसे बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होती। मैदानी इलाकों से अल्पाइन इलाकों तक पहुंचने में इन्हें करीब 3 महीने लग जाते हैं। गद्दी चरवाहे आमतौर पर अकेले या जोड़ों में चलते हैं। एक सदस्य आगे आगे चलता है और दूसरा सदस्य रेवड़ के पीछे पीछे चलता है। हृदय सिंह चौहान लगातार चौकन्ने बने रहते हैं। गिरते पत्थर अचानक होने वाले हिमस्खलन का संकेत हो सकते हैं, उससे रेवड़ को नुकसान हो सकता है और ये लोग यहाँ कई दिनों तक फंसे भी रह सकते हैं। खाना पकाने की और रेवड़ का ख्याल रखने की जिम्मेदारी ये दोनों मिलकर उठाते हैं। कभी कभी मौसम अचानक बदल जाता है। तेज और गरज भरी बारिश रेवड़ पर बरसने लगती है, तब गद्दी लोगों को कोई आश्रय खोजना होता है। हृदय सिंह और उनके साथी चरवाहों को प्रकृति के इस तुनक मिजाज मूड की आदत है।
अब धीरे धीरे शाम होने लगी। हृदय सिंह आज का अपना सफर अब यहीं खत्म करेंगे। वो रेवड़ को इकट्ठा करते हैं और रात को यहीं ठहरने का फैसला करते हैं। रात में तापमान बहुत कम हो जाता है, ऐसे में खुद को गर्म रखने और शिकारी जीवों को दूर रखने के लिए इन्हें आग जलानी होती है। गद्दी लोगों की शुरुआत कहां से हुई ये आज तक भी पता नहीं है। ये एक ऐसी अनूठी सभ्यता है जो इनकी जनजाति को खास और अलग बनाती है। भरमौर में गद्दी परिवार काफी संख्या में रहते हैं। पिछली कई सदियों के दौरान यहां कई गद्दी परिवार बस गए। भरमौर का मुख्य मंदिर परिसर 84 गद्दी लोगों के लिए बहुत पवित्र है। इनका मानना है कि ये क्षेत्र शिव भूमि है और सारे प्रवास मार्ग यहीं आकर खत्म होते हैं। गद्दी समुदाय का आपसी रिश्ता भी बेहद मजबूत होता है और ये अपनी परंपराओं को जीवंत बनाए रखने के लिए एक दूसरे से मिलते जुलते और जश्न मनाते रहते हैं। शिव को चढ़ावे के रूप में किसी भेड़ या बकरी का चढ़ावा गद्दी लोगों के लिए एक पुरानी परंपरा है जो चली आ रही है। राम सिंह 4 महीने बाद मैदानों में आए हैं। भरमौर उनका शहर है और वो यहां लौटकर खुश हैं कि अब उन्हें थोड़ा आराम करने का समय मिलेगा। घर पर रहने के दौरान वो अपनी कुछ भेड़ें बेच देते हैं ताकि अपना खर्च निकाल सके। जैसे ही वो यहां पहुंचते हैं इस इलाके के गृहस्वामी उनका ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते रहते हैं। किसानों और गद्दियों के बीच का रिश्ता आपसी निर्भरता का है। रेवड़ खाद मुहैया कराता है जिसमें ढेर से खनिज होते हैं जिससे किसानों के खेत उपजाऊ बनते हैं और गद्दी लोगों की भेड़ों को आराम करने की जगह मिल जाती है। ये जैसे नीचे से आते हैं, कांगड़ा से आते हैं, तो ये 4-5 6 8 दिन यहाँ पर ठहरते हैं। इनको ऊन काटनी है इनकी, अभी यहाँ वो आगे नहाड़ी है, इसकी ऊन काटनी है। ऊन काटने के बाद सीधे लाहौल चले जाना, 5-7 दिन उन्होंने घर में रहना है। तो शाम को ये घर चले जाते हैं और हमें यहाँ पर रात को रखवाली करते हैं इनकी, और म्याल भी हमारे अपने खेत की वो करते हैं। गद्दी लोगों के लिए चरवाहे का काम खासा मुनाफे वाला है क्योंकि रेवड़ उनकी एक ऐसी संपत्ति होती है जिससे जब चाहे पैसा मिल सकता है। ये चलते फिरते बैंक जैसे हैं जिन्हें संकट के समय बेचा जा सकता है। सबसे कीमती चीज होती है ऊन, इसे निजी इस्तेमाल के लिए और बेचने के लिए रखा जाता है। ये हमेशा ही अतिरिक्त आय का स्रोत होता है। पुरुष सारा साल रेवड़ का ध्यान रखते हैं और उसके साथ घूमते रहते हैं, जबकि महिलाएं घर में रहती हैं। एक समुदाय के तौर पर साथ साथ काम करते हुए महिलाएं भेड़ बकरियों से उतारी गई ऊन से जूते, जैकेट और हैट तथा टोपियां बनाती हैं और इन गर्म चीजों को वो बेच सकती हैं। लेकिन आज ये चरवाहे एक अलग तरह के हालात के शिकार हैं। आज इनकी रोजी रोटी विकास और जलवायु बदलाव की आंधी को झेल रही है। राम सिंह की नजरें खुली वादी की तरफ हैं। अक्टूबर नजदीक है और वो अपनी भेड़ बकरियों को चराने के लिए कांगड़ा घाटी की तरफ ले जा रहे हैं। बेहद ठंडी हवा, पहले से कम तापमान सर्दियों में चराई के काम को और मुश्किल बना देते हैं। वो नहीं जानते कि यह काम कितने दिन तक चलता रह पाएगा या उनके बाद इसे कोई करेगा या नहीं, क्योंकि उनके बेटे
चरवाहे का काम नहीं करना चाहते। उनकी बेटियों की शादियां हो गई हैं और वो दूर चली गई हैं, तो उनके बाद ये सिलसिला खत्म ही हो जाएगा। ऐसे कई लोग अब ये काम नहीं करते, कई लोग खेती की तरफ मुड़ गए हैं। आलम यह है कि भेड़ बकरियों को चराने का काम अब पिछड़ने लगा है। और भेड़ बकरी का काम जो है हमारा बड़ा बुजुर्ग ही काम है, बड़े दादा परदादा के बारे का काम है। अब इससे आगे तो खत्म हो जाएगा, खत्म ऐसे हो जाएगा। मैं था और एक मेरा भाई था, वो तो हमने बुजुर्ग ने छोड़ दिया, हमने संभाल लिया। अब हमारे जो बच्चे हैं वो नहीं हो गए आगे संभालने वाले, क्योंकि वो पढ़ लिख गए हैं, कहीं नौकरी पर चले जाएंगे। अगर नौकरी नहीं मिली तो अपना बिजनेस कर लेंगे, इस काम को नहीं संभालेंगे कोई। ये तो हमारे ताकि आप में 2 साल करें, 4 साल करें, जितना हम चल सकते हैं उतना करेंगे, उसके बाद तो खत्म हो जाएगा। गद्दी चरवाहों का भविष्य स्पष्ट नहीं है। हालात में बदलाव इतनी तेजी से आ रहे हैं कि शायद गद्दी लोग उनसे तालमेल न बिठा पाए। गद्दी समुदाय के 70% लोग आय के जरिए के रूप में खेती को अपना रहे हैं। अब जब चरवाहे वैकल्पिक रोजी को अपना लेंगे तो हिमाचल प्रदेश के पहाड़ अपने संरक्षकों को खो देंगे। किसी जीवन शैली का गुम हो जाना एक बहुत बड़ा नुकसान होता है। इसका मतलब है सामूहिक ज्ञान और लोगों के इतिहास का खत्म हो जाना। लेकिन अगर कुछ सकारात्मक और ठोस कदम अभी उठाए जाएं, तो भविष्य को सुरक्षित बनाया जा सकता है। जहां तक चरवाहों का सवाल है, वो तो प्रकृति के साथ ताल में ताल मिलाकर चलने की उम्मीद ही कर सकते हैं। ऊंचे पहाड़ों की गोद में शायद वही उनका एकमात्र और असली घर है।